नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती 2024 के अंतर्गत। अभी अभी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक नया नोटिस जारी किया गया है और इस नोटिस में ये बताया जा रहा है कि आने वाला जो ग्रुप डी का नोटिफिकेशन रिलीज होगा नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में, उसमें यहाँ पे ITI को हटाने के रिगार्डिंग यहाँ पे साथियों बात कही जा रही है। मतलब सीधा सीधा यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यहाँ पे खुद कंफ्यूज है, उन्हें खुद नहीं पता कि ITI रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में देंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, आप रेलवे की किसी भी भर्ती की एग्जाम की तैयारी करो तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए जो किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया गया है। ये बुक आपका रेलवे ऑल एग्जाम करके आता है, जिसमें 2023 एडिशन देखने को मिलता है और प्रीवियस ईयर 10,000 से ज्यादा इसमें सॉल्ट पेपर देखने को मिलता है। इसके साथ साथ बात करेंगे तो सेम आपका रीजनिंग का भी बुक आता है, चैप्टर वाइज टाइप है, इसमें भी 8700 से ज्यादा प्रीवियस ईयर TCS बेस पे क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलता है। और सेम इसी प्रकार आपका 2024 का लेटेस्ट एडिशन किरण पब्लिकेशन की रेलवे 9 ऑल एग्जाम करके बुक आती है, जिसमें सामान्य जानकारी और सामान्य विज्ञान चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर है। 3700 से भी ज्यादा इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर आप बेसिकली NTPC का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट बेसिस पे तैयारी कर रहे हो, तो इसमें आपका पूरा का पूरा सेट्स 61 से लेकर 29 तक का ये पहला 2021 लेटेस्ट का एडिशन है और 24 एडिशन है और 21 का सॉल्व पेपर मिलेगा। इसके साथ साथ ये बुक आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो इस बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पर जाकर इस बुक को परचेस कर सकते हो। तो देखिए साथियों, यहाँ पे एक RTI लगाया गया था और RTI में जो बेसिकली पूछा गया था कि ग्रुप डी का मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो आज ही के डेट में मतलब 23/9/2024 के डेट में डेट ऑफ एक्शन इस पे लिया गया है और रिप्लाई जो है देखने को आ रहा। और यहाँ पे साउदर्न रेलवे के द्वारा पूछा गया था, ठीक है, कि जो ग्रुप डी का वैकेंसी आना है उसमें मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो देखिए रेलवे आपको क्या बता रहा कि रेलवे बोर्ड का जो एक लेटर था उसी लेटर को RTI में यहाँ पे भेजा गया है, जो आपका 26/9/2019 का एक लेटर था और RTI के माध्यम से उसी लेटर को भेजा गया है। तो चलिए उस लेटर पे चलते हैं जो RTI में मर्ज करके रेलवे ने भेजा है, उस लेटर में देखते हैं कि आपको क्या क्या मेंशन किया गया है। तो देखिए फाइनली साथियों, हम आ गए हैं उस ऑफिशियल लेटर में जो आपका RTI के माध्यम से यहाँ पे भेजा गया है साउदर्न रेलवे की तरफ से, ठीक है। और ये लेटर आपका 2019 में जो भर्ती आया था उसको लेकर भी पहले इस लेटर को पब्लिक किया गया था, परंतु RTI में इसी लेटर को भेजा गया है और बताया गया है कि इसमें जो क्वालिफिकेशन है वही आने वाला टाइम में भी क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। एज पर मेल स्टैंडिंग लिस्ट फर्स्ट मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट फ्रॉम ओपन मार्केट लेवल 1, ठीक है। इसमें आपका बताया जा रहा है कि जो आपका इंफॉर्मेशन गाइडेंस एंड नेसेसरी एक्शन है उसके रिगार्डिंग इसमें आपका बताया गया है और यही लेटर को सब जगह सर्कुलेट जो है किया जा रहा है, जो जो RTI लगा के पूछ रहे हैं। उसके बाद यहां पे आपको बताया जा रहा है कि देखिए ये लेटर सभी जगह भेजा गया है द जनरल मैनेजर ऑल जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट को कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट फ्रॉम ओपन मार्केट इन लेवल 1। उसके बाद यहां पे बात करते हैं तो अटेंशन इज इन्वाइटेड टू इंस्ट्रक्शन इशू वाइड दिस मिनिस्ट्री लेटर सर्कुलेटेड अंडर RBE नंबर 148/2018 डेटेड 25/9/2018 स्पेसिफाइंग दैट मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू पोस्ट इन लेवल 1 थ्रू ऑल मोड्स अगेंस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा इन सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड SNT डिपार्टमेंट वुड बी 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NSE ग्रांटेड बाई NCVT और 10th पास प्लस ITI। यहां तक तो समझ में आ रहा है कि बोला जा रहा है कि जो भी टेक्निकल पोस्ट है उन सभी के लिए 10th प्लस ITI रखा गया है और नहीं तो 10th प्लस NSE रखा गया है नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। उसके बाद यहां पे देखिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका पैरा नंबर 2 में बताया जा रहा कि द मैटर हैज बीन रिव्यू, इस मैटर को रेलवे बोर्ड की तरफ से रिव्यू किया गया। इट हैज बीन डिसाइडेड बाई दिस मिनिस्ट्री दैट मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर दी 4th कमिंग ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट इन लेवल 1 फॉर पे मैट्रिक्स ऑफ 7 CPC इन ऑल डिपार्टमेंट। देखिए यहां पे क्लियर कट बोल दिया गया है कि जो भी अपकमिंग वैकेंसी है लेवल 1 के अंतर्गत ऑल डिपार्टमेंट का, चाहे वो आपका मैकेनिकल हो गया,
इलेक्ट्रिकल हो गया, सिविल का हो गया, एसएनटी हो गया, सभी डिपार्टमेंट मतलब जो भी वैकेंसी आएगा ऑल डिपार्टमेंट के लिए विल बी सम एज फॉर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन वाइड सीईएन 2/2018। मतलब 2/2018 में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा गया था वही 2024 में भी रखा जाएगा। दैट इज टेंथ पास, देखिए टेंथ पास और आईटीआई और इक्विवेलेंट और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय एनसीबीटी। अभी कुछ टाइम पहले रेलवे की तरफ से एक लेटर जारी किया गया जिसमें बोला गया कि जो भी टेक्निकल पोस्ट रहेगा उस पर सिर्फ और सिर्फ आईटीआई और यहाँ पे सीसीए वाले बच्चे अप्लीकेबल रहेंगे, और जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है जैसे हॉस्पिटल अटेंडेंस का कुछ पोस्ट हो जाता है, स्टोर का कुछ पोस्ट हो जाता है, हेल्पर का कुछ पोस्ट हो जाता है, उसमें आपका टेंथ पास वाले बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं। परंतु अभी जो आरटीआई के माध्यम से अपडेट निकल के आ रहा है उसमें रेलवे बोर्ड कुछ और ही फैसला दे रहा है। उसमें रेलवे बोर्ड का कहना है कि नहीं, जो 2018 में नोटिफिकेशन आया था, जो उस टाइम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा गया था, वही 2024 में भी आने वाला वैकेंसी में आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब जाहिर से है कि रेलवे बोर्ड अभी खुद कंफ्यूज है, रेलवे बोर्ड के पास अभी खुद पर्याप्त नॉलेज नहीं है कि पर्टिकुलर जो भी रिक्रूटमेंट आने वाला है 2024 में ग्रुप डी लेवल वन का, उसमें आईटीआई रहेगा या फिर टेंथ पास रहेगा। हालांकि अभी तक जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिल पाया है उसके अकॉर्डिंग आप लोग भी जानते हैं कि टेक्निकल पोस्ट में यहाँ पे रेलवे पहले भी बोला है कि आईटीआई रहेगा, और नॉन टेक्निकल पोस्ट में रेलवे बोर्ड का ही कहना है कि टेंथ पास रहेगा। पर अभी अभी जो आरटीआई निकल के आ रहा उसमें सच में रेलवे बोर्ड खुद कंफ्यूज में पड़ा हुआ है कि कौन सा पोस्ट के लिए आरटीआई रहेगा, आईटीआई रहेगा या फिर आईटीआई नहीं रहेगा। बाकी संपूर्ण जानकारी आपको बस कुछ दिन वेट करना है, रेलवे का ग्रुप डी का शॉर्ट नोटिस आने के बाद आपको फुल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, और उसी टाइम आपको पता चल पाएगा कि क्या सच में जो वैकेंसी आएगा उसमें यहां पे आईटीआई लागू रहेगा या फिर नहीं रहेगा। परंतु साथियों एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर इस बार रेलवे ने आईटीआई वालों के साथ कोई भी छेड़छाड़ किया तो इस बार आईटीआई वाले छात्र चुप नहीं बैठेंगे। जिस प्रकार टेंथ वाले प्रोटेस्ट किए थे, आंदोलन किए थे, तब जाके रेलवे बोर्ड आईटीआई हटाया था, अगर रेलवे बोर्ड की तरफ से यहां पे आईटीआई को हटा दिया गया तो फिर आईटीआई वाले सभी छात्र प्रोटेस्ट करेंगे, फिर जाके यहां पे आईटीआई को लागू किया जाएगा। ठीक है, तो सभी छात्र इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा करके सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा, अपने साथियों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप लोग अभी से ही अलर्ट रहें, क्योंकि रेलवे बोर्ड कभी भी कुछ भी कर सकता है। इसके रिगार्डिंग आप लोग कंफर्मेशन देख लीजिए कि रेलवे बोर्ड पिछला नोटिस में क्या बोल रहा था, इस नोटिस में क्या बोल रहा। हालांकि इस तरह का जो स्थिति है देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पे मैक्सिमम चांसेस है कि जो टेक्निकल पोस्ट पे आईटीआई ही एलिजिबल रहेगा। अब इस आरटीआई में रेलवे बोर्ड की तरफ से कैसे इस प्रकार की इंफॉर्मेशन रिलीज की जा रही वो तो रेलवे डिपार्टमेंट ही बता पाएगा, परंतु ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। मिनिमम यहां पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका भले ही टेंथ पास है, परंतु वो नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए, टेक्निकल पोस्ट के लिए अभी भी आईटीआई यहां पे अनिवार्य है अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। वेस्टर्न रेलवे का ऑफिशियल साइट पर जाकर देखिएगा तो वहां पर भी एक नोटिस मेंशन है जिसमें क्लियर कट बताया गया है कि टेक्निकल पोस्ट के लिए आईटीआई की योग्यता अनिवार्य है। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन आएगा, लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपको सारा का सारा चैनल पर देखने को मिलेगा। फर्स्ट टाइम आया सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा ताकि रेगुलर अपडेट आपको देखने को मिलते रहे। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।